स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेकंड फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4 बाय एलिमिनेशन मेथड। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। इट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, हम ये पहले चेक करेंगे क्या एक्स या वाई में से किसी का कोफिशिएंट न्यूमेरिकली बराबर है। जैसे यहां पर देखें तो 3 और 2 है, यहां देखेंगे तो 4 और -2 है। माइनस प्लस से मतलब नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू से 4 है और 2 है, कोई बराबर नहीं है। ना तो एक्स के कोफिशिएंट बराबर है ना वाई के बराबर है, डायरेक्ट हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब अगर नहीं कर सकते तो अब फेवरेबल बनाएंगे कि कैसे एलिमिनेट कर ले। इसके लिए हमको कोफिशिएंट बराबर करना होगा। आप जरा ये तय करके बताइए कि किस इक्वेशन में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि कोफिशिएंट बराबर हो जाए। बताओ बेटा, सेकंड में 2 से, समझ गए, आसान है। अच्छा, जरूरत पड़ने पे हमको दोनों इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, केवल एक में ही करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है ना, तो इनके समझ में आएगा सर अगर आप सेकंड में 2 से कर लीजिए, देखिए 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं वही करूंगा, क्या करूंगा, 2 इंटू इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। देखता हूं फर्स्ट को कुछ नहीं करूंगा, इसे पढ़ा रहने दूंगा, फर्स्ट वाई से की है। सेकंड में क्या कर रहा हूं, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 माइनस अपनी जगह रहेगा, 2 2 जा 4। ये वाली क्वेश्चन फर्स्ट थी, अभी वही है, ये वाली सेकंड अभी वही, 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पर इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ऊपर हमने उसको मेंशन कर दिया, वही चीजें दो बार नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट लिख दिया करो, सबट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस लगाते हो ना नंबर में, यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। यहां साइन चेंज करूंगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज करूंगा, एक मिनट। मैंने कहा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस हो जाएगा। अब जिसको रिमूव करना था, जिसको एलिमिनेट करना था, वो तो जुड़ जाएगा। तो यही ध्यान रखना है कि यहां पर हमेशा सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, कभी एडिशन होगा और कभी सब्ट्रैक्शन। यहां पे क्या किया जाएगा, एडिशन है, यहां पर सब्ट्रैक्ट ना करके ऐड करेंगे, ऐड, ठीक है ना, ऐड करेंगे। ऐड करते समय क्या होता, कोई साइन में चेंज नहीं होता, साइन में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना, ये जैसा है वैसे रहेगा। ध्यान से देखो दोनों कैंसिल हो गए, 3x + 4x कितना हुआ 7x, इक्वल टू प्लस इक्वल 10 और 4 कितना हुआ 14, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 14 बाय 7, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2, 7 2 जा 14। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर, नो डाउट। चलिए, एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान मेथड माना जाता है। पुट x इक्वल टू 2 कहां इन इक्वेशन फर्स्ट में है, 3x पहले इक्वेशन को लिख देता हूं, फिर यहां लिख देता हूं 3 × 2 + 4y = 10, 6 + 4y = 10, यहां दिस इंप्लाइज लगाते चला करो भाई, आप लोग y = 4, दिस इंप्लाइज y = 1। सोलो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे x = 2 and y = 1, ये यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा।